क्या कोई देश अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा सकता है? इतिहास में ऐसा कई बार हुआ, लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे वो बहुत खास है। हम बात करेंगे कि कैसे चाइना की सरकार ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाई, कैसे चाइना की सरकार ने अपनी ही सिटीज के अंदर अपने मिलिट्री टैंक उतार दिए और अपने ही शहरों के लोगों को बहुत ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारा। इन सभी बातों को आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त चिराग हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज हम बात करेंगे तियानमेन स्क्वायर की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई बातें सीखते रहें। चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड से समझते हैं। चाइना में 1949 में माओ ज़ेडोंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी और उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ की वजह से कई चीनी नागरिकों को अपनी जान तक गंवा देनी पड़ी। जो माओ ज़ेडोंग थे वो बहुत ही कंजर्वेटिव विचारधारा के थे। उन्हें डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज़ें बचकानी लगती थी, और जो भी उनके पॉलिटिकल विरोधी हुआ करते थे उनको वो अरेस्ट करा दिया करते, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते या मरवा दिया तक करते। तो इस वजह से कई सालों तक 1975 तक लगभग चीज़ें जो थी चाइना में वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत सारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही थी देश के अंदर, लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। चाइना की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर से थी और वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके। और फाइनली 1989 में तियानमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ। चलिए लोगों की इमोशंस को समझते हैं, लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो इनके ये 5-6 कारण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। दूसरा, पॉलिटिकल करप्शन। तीसरा, नेपोटिज्म। चौथा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन। पांचवा, डेमोक्रेटिक सिस्टम। और लास्ट, डेथ ऑफ यू हाओबांग। चलिए हम एक एक करके सब पे बात करते हैं। चाइना के अंदर बहुत लंबे, जब से कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तब से जो महंगाई थी वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। देश में टैक्स सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो इन चीज़ों के चलते आम लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता। वो जो भी खेती करते वो लगभग चीन सरकार ही ले जाती एज अ टैक्स, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। और जो आम ज़रूरत की चीज़ें जैसे फल सब्जियां, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी थी चाइना के अंदर। तो इन कारणों के चलते वहाँ का आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। जो दूसरा मेन कारण था वो था पॉलिटिकल करप्शन। जी दोस्तों, क्योंकि चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी थी जो कि थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो जितने भी सरकारी कामकाज थे वो सब यही पार्टी संभालती थी। और जब भी उन्हें कोई काम आसानी से करवाना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी आसान काम, लॉ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, उन सभी कामों में कहीं ना कहीं करप्शन चलता। एक टाइम ऐसा आ गया कि बिना करप्शन के आप कोई भी काम चाइना के अंदर नहीं करा सकते थे। तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि पहले से ही उनके पास जेब में पैसे नहीं थे, ऊपर से जो सरकार थी वहाँ की वो लगातार पैसे की डिमांड करती जा रही थी। तीसरा था नेपोटिज्म। देखिए, नेपोटिज्म का मतलब होता है कि जब कोई आदमी पावर में होता है तो वह अपने परिवार के लोगों, अपने लड़के को या लड़कियों को वो भी पावर शिफ्ट कर देते हैं, अपनी पावर उन्हें दे देते हैं। तो एक्चुअली हो ये रहा था कि चाइना के अंदर जो बड़े लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो बड़े कद के नेता थे, जो उनके बच्चे थे, वो कुछ भी अराजकता करते चाइना में तो उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होता, उनकी कोई सुनता ही नहीं, उनके ऊपर कोई एक्शन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़े पार्टी के लीडर के बेटे थे। तो इन सब चीज़ों से भी आम जनता बहुत ज़्यादा खराब परेशान हो चुकी थी कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, यानी कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई इंसान नहीं है। बस कुछ लोग इकट्ठा होकर के आ गए, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम आपको संभालेंगे, और वो खुद ही अराजकता फैलाए जा रहे हैं। उनके बच्चे जा करके कुछ भी ऊट पटांग हरकत करते और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो आम लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पूरा जो सिस्टम था वो कम्युनिस्ट पार्टी चला रही। जो चौथा मेन कारण था वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन। जी दोस्तों, क्योंकि चाइना में 1949 से ही कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, माओ ज़ेडोंग ने पूरी तरीके से जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको पूरे देश के अंदर व्यापी कर दिया था, फैला दिया था, तो उस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
आदमी स्वतंत्रता से कोई भी बात नहीं बोल सकता। अगर उन्हें कोई भी बात खराब लगती है तो वो चीन सरकार की बुराई नहीं कर सकती। और वो आज तक नियम चल रहा है, आज भी आप जानते हैं कि चाइना के अंदर उनके लोग जो हैं वो चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बात करते हैं तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है या तो उसको गायब कर दिया जाता है। रिसेंटली आपने देखा कि जैक मा जैसे जो चाइना के सबसे अमीर आदमी थे उनके साथ तक क्या हुआ। तो ये चीज बहुत आम बात थी कि चाइना के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कभी चीज थी ही नहीं। इससे भी लोग बहुत परेशान थे कि वे अपनी बात कभी भी चाइना की मेन सरकार को नहीं पहुंचा पा रहे, ना ही वो इकट्ठा हो सकते थे, एसोसिएशन बना सकते थे, क्योंकि अगर वो एसोसिएशन बनाते तो कम्युनिस्ट पार्टी को उससे खतरा दिखाई देता और वह उसको कुचल डालते। तो वहां के लोग ना तो इकट्ठा होकर के कोई अपनी बात कह सकते थे और ना ही वो समूह बना सकते थे, ग्रुप्स बना सकते थे। इससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके। और अगला था डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मोटा मोटा मतलब ये था कि लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, लोगों की आवाज़ पहुँचे, लोगों की बात की एक वैल्यू हो। यानी कि अगर लोग किसी आदमी को अपना नेता बनाना चाहते हैं तो उसको वो पावर दे कम्युनिस्ट पार्टी कि वो उनका नेतृत्व करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वहाँ पे किंग मेकर्स बैठे हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, जो वो बोलते थे केवल वही पूरे देश के अंदर होता था। तो लोग चाहते थे थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम आए, थोड़ा सा हम यूरोपियन से कुछ सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चाइना को मॉडर्न बनाने की कोशिश करें। लेकिन जो वहाँ के बड़े नेता थे वो बहुत ही रूढ़िवादी थे, वो ज़्यादा देश में परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे, वो केवल अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते थे। और जो सबसे लास्ट था वो था डेथ ऑफ यू हाओबांग। तो यू हाओबांग थे वो उस टाइम के बहुत कद्दावर नेता थे चाइना के अंदर, और शायद मेरी नज़र में वो पर्सनली मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो एकमात्र ऐसे नेता थे चाइना के अंदर जो बहुत ही अच्छी विचारधारा के व्यक्ति थे, इंटेलेक्चुअल्स जो उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। मतलब कि वो उस टाइप के नहीं थे, वो माओ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ना वो कम्युनिस्ट विचारधारा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। वो चाहते थे कि चाइना के अंदर थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम आए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एकमात्र ऐसे पर्सन थे चाइना की हिस्ट्री में जो चाइना के अंदर लगभग लगभग हर डिस्ट्रिक्ट तक घूमे थे, बहुत अंदर तक घूमे थे, खुद जा गए थे। और 1981 से 86-87 तक उन्होंने एज अ जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पद भी संभाला था। तो बहुत ही बड़े पावरफुल जगह पर भी थे और बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक और मॉडर्न विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो उइघर्स उइघुर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है और कहीं ना कहीं उइघुर्स को खुद ही अपने आप को गवर्न करना चाहिए। और यहाँ तक कि वो ये भी मानते थे कि जो तिब्बत में माओ ज़ेडुंग की सरकार ने किया वो बहुत गलत है और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को वापस परिस्थितियों को अच्छा करना चाहते हैं। जो बाकी नेता थे, जो बाकी बड़े नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, उन्हें उनसे खतरा दिखाई देता कि कहीं ऐसा ना हो कि यू हाओबांग जो है वो देश के अंदर डेमोक्रेसी ले आए और जो उनकी जो सत्ता है, जो उनकी पावर है, वो पूरी तरीके से चली जाए। तो 1987 में आते आते उन्होंने उनको उनके जनरल सेक्रेटरी के पद से रिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया और फाइनली 1989 में उनका निधन हो गया, जिससे वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्हें बहुत ज़्यादा, आम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि एक बहुत ही कनेक्टेड व्यक्ति थे, आम लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे। तो उस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लगा कि यू हाओबांग की डेथ हुई। पूरे देश में अलग अलग सिटीज़ में लोग रोने लगे, पब्लिक गैदरिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा लोग उनकी याद में बहुत ज़्यादा लोगों ने रैलियां निकाली। और इसी बहाने उन्होंने ये भी टारगेट किया कि जो उनके विचारधारा थी उसे प्रमोट किया जाए, जैसा वो चाहते थे कि देश के अंदर थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो हो, इकोनॉमिक सुधार हो और जितना हो सके महंगाई कम हो। तो इन सब पे उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी। और उस समय जो प्रीमियर थे चाइना के वो थे ली पेंग। और जो ली पेंग थे वो वही कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, माओ ज़ेडुंग की विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्हें इन सबसे खतरा दिखाई देता, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी मशक्कत करी कि ये सब बातें ख़त्म हो जाए। उस समय तक जो आम लोग थे अप्रैल में, वो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में बैठते, कभी भूख हड़ताल करते, धरना देने के लिए बैठ जाते और डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज़ों की डिमांड करते, वहाँ की सरकार से डिमांड करते। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि आम लोग इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। खासकर जो स्टूडेंट्स थे, जो यंग स्टूडेंट्स थे, वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन ली पेंग को इससे लगातार खतरा दिखाई देता। और फिर तारीख आई 3 जून की। 3 जून को फाइनली ली पेंग ने अपनी मिलिट्री को ये आदेश दे दिया कि आप सिटीज के अंदर घुसिए और इन लोगों के ऊपर सीधे गोलियां चलवा दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अप्रैल से ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और जून में जाके 7 हफ्ते बाद ही मिलिट्री अटैक या मिलिट्री का वहां पर इन्वेजन क्यों हुआ।
देखिए उसका मेन कारण था कि उसी टाइम पे जो रशिया के लीडर वो चाइना में विजिट करने वाले थे और इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी चाइना के अंदर क्योंकि बहुत सारी बातचीत होने वाली थी और चाइना बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि रशिया भी कम्युनिस्ट पार्टी का देश था और यहाँ पे भी कम्युनिज्म था तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जब वो यहाँ आए तो यहाँ पे आम लोगों के बीच में प्रोटेस्ट चल रहे हों और उनका नाम खराब हो तो किसी भी हालत में इन प्रोटेस्ट को रोकना चाहते थे। लेकिन जब वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुए तो उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया कि हम उनको कायदे से मरवा देते हैं, अच्छे से मरवा देते हैं और फिर धीरे धीरे टैंक्स उतरना शुरू हुए सिटीज़ के अंदर। और ऐसा चाइना के एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि हमने लगभग 200 लोगों को मारा और कई हज़ार लोग जख्मी हुए, लेकिन जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि 800 से लेकर लगभग 10,000 लोगों की चाइना के अंदर डेथ हुई थी जो उन्हीं के सरकार के लोगों ने करवाई थी और इतने ही लगभग हज़ारों लोग जो थे वो वहाँ पर जख्मी हुए। और ये बात अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुनिया में किसी ने इस बारे में कुछ कहा क्यों नहीं। एक्चुअली सही बात तो ये थी कि उस समय दुनिया को ये बात पता ही नहीं चली, लेकिन ये एक फोटोग्राफ है जो बहुत ज़्यादा लीक हुई जिससे पता चला कि चाइना के लोगों ने क्या किया था। ये जो आप आदमी देख रहे हैं ये एक अननोन आदमी है जो टैंक के सामने खड़ा हो गया था जून 4 को कि टैंक अगर आगे जाएंगे तो उन्हीं के अपने जो उनके परिवार के लोग उन्हें मारेंगे, तो खड़ा हो गया। जब जब भी टैंक मुड़ता तो ये भी उसी के साथ मुड़ जाता और बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता। तो ये बहुत ज़्यादा डिसहर्टनिंग था कि बताइए चाइना ने अपने ही लोगों के ऊपर इस तरह से हत्याएँ करवाई, इस तरह से उनको मरवा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब एक चीज़ थी। जून 3 को ही चाइना ने अपने टैंक्स और मिलिट्री को बीजिंग के अंदर उतार दिया था और लगातार अपने लोगों पर गोलियां चलवाईं। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और जून 4 को आम लोगों ने भी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों ही पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी बहाने चाइना ने आम लोगों को टेररिस्ट का टैग दे दिया। हालांकि दुनिया ये समझ रही थी कि आम लोग वहां पर शांति तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन चाइना ने किसी की नहीं सुनी और उस जो पूरा प्रोटेस्ट था उसको बुरी तरह से कुचल दिया और फाइनली जून 4 को टैंक तक उतार दिए और बहुत ज़्यादा लोगों को अपने मरवाया। फाइनली जब ये सब ख़त्म हुआ तो ज़्यादा वो लोग बचे ही नहीं जो आवाज़ कर रहे थे डेमोक्रेसी की, और जो लोग चुपचाप से स्टूडेंट्स भाग गए थे हांगकांग उन्हें बाद में पकड़ के लाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके बाद ऐसे जितने भी लोग थे जो डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे उन्हें या तो जेल में डलवा दिया गया या तो मरवा दिया गया। हालांकि जब ये बात US और यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चली तो उन्हें भी ये बात बहुत ख़राब लगी और कुछ टाइम के लिए चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए कि आपने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, वो भी 1989 में। मतलब आप सोच रहे हैं कि अभी इस बात को 30-32 साल हुए हैं और अभी रिसेंट की ये बात है चाइना ने अपने लोगों के साथ ऐसा किया। यहाँ तक कि जब बाद में रशियन के लीडर जो थे वो वापस अपने देश में गए, उन्होंने भी ये कहा कि मैं भी जो चाइना ने जो किया मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, उन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत है, अपने ही लोगों को मरवाना कोई भी समझदारी की बात नहीं थी, कहीं ना कहीं इसको अलग तरीके से डील करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तब से लेकर आज तक चाइना में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कभी हुए नहीं क्योंकि चाइना ने कभी इसको अलाउ ही नहीं किया कि थोड़े बहुत भी लोग कभी भी किसी भी सिटी के अंदर गैदर हो सकें। तो ये था तियानमेन स्क्वायर 1989 का। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।